मतलब कि जब भी हम सेंटेंस में कहीं पे ब्रेक लेते हैं या पॉज लेते हैं, मतलब अटकते हैं, उस टाइम पे हम कॉमा इंसर्ट करते हैं। जैसे इफ यू विन आई बाय यू अ न्यू कार, अगर आप जीत जाओगे तो मैं आपको नया कार ले दूंगी। नाउ को वेंट टू द मार्केट बट शी फॉरगॉट टू बाय एग्स। नाव को जो है वो मार्केट गई पर वो क्या खरीदना भूल गई, एग्स खरीदना भूल गई। नाउ वी यूज अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड सच एज यस और नो। जब भी हम इंट्रोडक्टरी वर्ड्स मतलब कोई हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, डू यू लाइक टी और डू यू लाइक अ टी, क्या आपको चाय पसंद है, तो हम येस और नो में आंसर देते ना, येस आई लाइक टी। तो हम येस या नो जो भी रिप्लाई करते हैं उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। सो आंसर इज येस आई वेट वेट फॉर योर कॉल, हाँ मैं आपके कॉल के लिए वेट करूंगी। तो येस के बाद कॉमा, ठीक है। वी ऑल्सो यूज अ कॉमा टू सेपरेट द नेम ऑफ द पर्सन बींग स्पोकन टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब हम उस टाइम पे भी कॉमा कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं जब हम किसी इंसान के बारे में या फिर किसी इंसान का नाम लेके बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपको कह रही हूँ दर्श कैन यू ब्रिंग अ चॉकलेट फॉर मी, दर्श क्या मेरे लिए चॉकलेट लिख के आओगे, सो आफ्टर दर्श आई विल कीप अ कॉमा। पार्थ प्लीज कम हियर, तो पार्थ उसके बाद कॉमा प्लीज कम हियर, यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो हम जब भी ऐसे किसी का नाम लेके बुलाते हैं उसके बाद मतलब हम एक पॉज ले रहे हैं ना, तो उसके बाद कॉमा लगता है। जैसे राघव आई विल कॉल यू आफ कॉल यू टूडे, मतलब राघव मैं आपको आज कॉल करूंगी, तो राघव उसके बाद कॉमा उसके बाद आई विल कॉल यू टूडे। नाउ आई स्टार्ट विथ एक्सरसाइज डी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, यूज कॉमास फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड एपोस्ट्रॉफीज वेर एवर नीडेड। आपको क्या करना है, आपको कॉमास फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फिर एपोस्ट्रॉफीज लगानी है जहां जहां जरूरत है। नंबर वन आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट लास्ट इवनिंग, मैं लास्ट इवनिंग कॉन्सर्ट के लिए गया था या फिर गई थी, सो यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। आई वेंट टू अ कॉन्सर्ट लास्ट इवनिंग, मैं लास्ट इवनिंग कॉन्सर्ट के लिए गया था, फुल स्टॉप। नंबर टू द ड्रमर द गिटारिस्ट एंड द सिंगर वर ट्रूली अमेजिंग। यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ वर्ड जब भी होता है तब हम क्या यूज करते हैं, कॉमा। सो द ड्रमर कॉमा गिटार द गिटारिस्ट एंड द सिंगर वर ट्रूली अमेजिंग, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप, राइट। नंबर थ्री राहुल अंकिता एंड पूजा एंजॉय द बैंड्स परफॉर्मेंस। ये लिस्ट ऑफ वर्ड है, सो राहुल कॉमा अंकिता एंड पूजा एंजॉय बैंड्स परफॉर्मेंस। किसका परफॉर्मेंस, बैंड का, तो एपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि बैंड एक ही है, सो एपोस्ट्रॉफी एस बैंड्स परफॉर्मेंस, बी ए एन डी एपोस्ट्रॉफी एस बैंड्स परफॉर्मेंस, लास्ट में फुल स्टॉप। नंबर फोर वी गॉट फ्री शर्ट्स कैप्स एंड पोस्टर्स विद द बैंड्स नेम ऑन देम। मतलब ये लिस्ट ऑफ वर्ड है, हमें क्या क्या मिला, सो वी गॉट फ्री शर्ट्स कॉमा कैप्स एंड पोस्टर्स विद द बैंड्स नेम ऑन देम।
किसका नेम? बेंड्स नेम. सो एपोस्ट्रॉफी एस. सो बी ए एन डी एपोस्ट्रॉफी एस बेंड्स नेम ऑन देम फुल स्टॉप. लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप. नंबर फाइव. व्हाट अ ग्रैंड शो इट वाज. वी प्लान टू गो देयर अगेन. अब ये जो सेंटेंस है व्हाट अ ग्रैंड शो इट वाज, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का सेंटेंस है, क्योंकि शायद परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा, वो शो इतना अच्छा लगा, तो ही और शी एक्सक्लेम्ड हैप्पीली. उसने हैप्पीली कहा कि बहुत बढ़िया शो था. व्हाट अ ग्रैंड शो इट वाज एक्सक्लेमेशन मार्क. वी प्लान टू गो देयर अगेन. हम वहां वापस से जाएंगे. सो दिस इज सेंटेंस. सो लास्ट में फुल स्टॉप. नंबर सिक्स. सुरभि विल यू कम विद अस. वो कहती है सुरभि क्या आप हमारे साथ आओगे. सो सुरभि उसके बाद कॉमा विल यू कम विद अस, ये क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन मार्क. नाउ नंबर सेवन. यस आई वुड लव टू. तो ऊपर जैसे बताया यस और नो जब भी आता है कॉमा. सो यस कॉमा आई वुड लव टू. ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. सो ये कह रही हाँ मैं आऊंगी. तो लास्ट में फुल स्टॉप. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. और आज का आपका होमवर्क है, आप ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करेंगे. बट अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये पूरा खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर्स की चेक करना, तो आपको समझ में आए कि आपको कितने रूल्स याद रहते हैं. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. विद दिस आई एंड दिस क्लास. गुड बाय एवरीवन. गुड बाय फॉर द डे. बाय.